हसन इतने दिन से मुझे बोल रहे थे प्लीज कुछ मीठा बनाओ कुछ मीठा बनाओ। सो टिल देन एंजॉय। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय किचन बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी किचन स्पेशल। पिछली बार मैंने ना कोल्ड कॉफी बनाई थी तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, सो आई थॉट आई शुड ट्राई माई कुकिंग स्किल्स अगेन विद ऑल ऑफ यू ऑल। और क्योंकि आज फ्राइडे है, सबसे पहले जुम्मा मुबारक टू एवरीवन, सो आई थॉट व्हाट कैन बी बेटर डे देन टुडे टू कुक समथिंग स्पेशल। एंड आई एम ऑल्सो वेयरिंग दिस प्रिटी पेस्टल पिंक कलर कुर्ती विच इज गिवन टू मी बाय माई सिस्टर इन लॉ। जब मैं अभी दुबई गई थी तो उन्होंने मुझे ये अच्छा सा पिंक कलर का कुर्ता गिफ्ट किया। इफ यू वॉन्ट टू नो वेर इज इट फ्रॉम लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो एंड आई विल पिन द लोकेशन। हसन इतने दिन से मुझे बोल रहे थे प्लीज कुछ मीठा बनाओ कुछ मीठा बनाओ, और मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था कुछ बनाने के लिए। सो आई थॉट टुडे इज द डे एंड योर गर्ल इज मेकिंग शाही टुकड़ा टुडे। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो दूध इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने लिया है फुल फैट मिल्क। फुल फैट मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। देन अ लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम पिस्ता टू ड्राई कोकोनट पाउडर। मैंने मतलब जितना हो सकता था लिया था, सब अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती। आई मेजरली पुट पिस्ताशियो एंड कोकोनट पाउडर। उसके अलावा द मेन मेजर इंग्रेडिएंट इज दिस इज कार्डमम। मैंने उसको पाउडर में पीस लिया है, पूरा मतलब नहीं पीसा है लेकिन पीस लिया है। इसकी खुशबू, ओह माय गॉड आई लव दिस। मुझे कार्डमम बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी मम्मा का ना मेरी मदर इन लॉ का बहुत क्यूट सा आर्ग्यूमेंट होता रहता है हमेशा इस बात पे, क्योंकि मैं हर बार चाय में कार्डमम डालती ही डालती हूँ एंड शी इज़ लाइक वो ना छुपा के रख देती है। वो कहती है कि अरे मैं जब एक्चुअली कुछ बनाऊँगी गोश्त बनाऊँगी कुछ बनाऊँगी तो मेरे पास होगा ही नहीं क्योंकि तुम हर चाय में डाल देती हो। सो आई थिंक कार्डमम इज माई फेवरेट एंड गोज इन एवरीथिंग। सो कार्डमम पाउडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लेवर एंड खुशबू। एंड ऑफकोर्स ब्रेड, ये मैंने ना यहाँ पे नॉर्मली होल व्हीट ब्रिटानिया ब्रेड लिए, आप कोई भी ले सकते हैं। इसके कॉर्नर्स हमें कट करने पड़ेंगे विच आई विल ऑब्वियसली शो यू। इसके अलावा आप बड़ी सैंडविच ब्रेड भी ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से यू नो वो बनेगा शाही टुकड़ा, लेकिन ये भी ले सकते हैं मतलब डिपेंड्स ऑन यू। सो लेट्स स्टार्ट, कम अलोंग। सो सॉरी, सबसे पहले आई हैव टू कन्फेस गाइज, ये मिस्टेक मैं हमेशा करती हूँ। कहते हैं ना नौ सीखियो को थोड़ा सीख के आना चाहिए। मैंने फिर से वीडियो ऐसे बना दी ऐसे की जगह। आई ऑलवेज फॉरगेट कि यूट्यूब पे आई हैव टू कीप माई फोन लाइक दिस। और पीछे जैमिन खड़े हैं, उनकी भी मेहनत डबल हो चुकी है क्योंकि हम थोड़े प्रोसेस में आगे जा चुके थे। बट नेवर माइंड, मैं फिर से बताने वाली हूँ। कैन यू सी दिस पैकेट, दिस इज स्टिल लेइंग हियर। तो मैंने ये एक भगोना लिया है, दिखा दो उनको, मैंने एक भगोना लिया था। सो कुछ नहीं करना है, मैंने इसमें ये एक पैकेट डाला है, उसमें मैंने 5 टेबलस्पून शुगर डाली है और अप्रॉक्स 1 स्पून मैंने इलायची पाउडर डाला है। एंड उसको हमें उबलने देना है तब तक जब तक वो हाफ साइज का नहीं रह जाए, मतलब वो थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए दूध की, गाढ़ा हो जाना चाहिए। और अभी जब मैंने पुराना वीडियो स्टार्ट किया था तब से अब तक ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, हमें बीच बीच में चलाने देना है। मीडियम फ्लेम, एक बार बॉईल आ जाए तो उसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होने लगी है, सो इट्स टाइम टू गो ऑन द नेक्स्ट स्टेप नाउ। अभी हम यहाँ पर गैस ऑन करेंगे और एक और पैन लेंगे। इसमें मैंने ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून घी डाला है। घी इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी, एज आई सेड व्हेन यू आर हैविंग शाही टुकड़ा जस्ट फॉरगेट ऑल द कैलोरीज, फॉरगेट ऑल द फैट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द शाही टुकड़ा। तो
थोड़ा सा मैंने इसमें ऑल्टरेशन इतना किया है कि मम्मा लोग एकदम डीप फ्राई ब्रेड को करते हैं, और जब आप डीप फ्राई करते हो तो ब्रेड बहुत ज्यादा घी या तेल पी जाती है। तो मैं यहाँ पे शैलो फ्राई करने वाली हूँ। वी हैव द ब्रेड, वी हैव द पैन, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। तो हमें ना सब चीजें बहुत फास्ट फास्ट करनी होंगी। अब यहाँ पर हम इसको फ्राई करेंगे एंड एट द सेम टाइम हमें दूध में उसको डिप करना है, निकालना है, साइड में रखना है, वरना वो घुल जाएगी ब्रेड, अगर तो काम तमाम हो जाएगा आपका। एज यू कैन सी पूरी तरीके से ना एकदम गाढ़ा मलाई जैसा, मावे जैसा हो गया है, एकदम थिक होने लगा है। सो इस टाइम पे हम गैस बंद कर देंगे और इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ऑन दी अदर हैंड फास्ट फास्ट हमने यहाँ पर हमारा घी गर्म हो गया है, लेट्स टेक द ब्रेड। एकदम गरम गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड। इसको हमें ब्राउन करना है जो कि फटाक से हो जाएगी, और प्लीज प्रेस मत करना, प्रेस करने से ना ब्रेड तेल भी ज्यादा पीती है। सो ये हमने इसे हल्के हल्के से ब्राउन कर लेना है, थोड़ी मीडियम फ्लेम रख सकते हैं ये। तो यहाँ पर हमारी ये ब्रेड एकदम ब्राउन ब्राउन क्रिस्पी क्रिस्पी तल ली गई है। नाउ क्विकली वी हैव टू डिप इट इन दिस। इधर आओ, ये गई इसके अंदर। नाउ वी हैव टू वेरी नाइसली फ्लिप इट, और बस हमें फटाफट इसको निकाल लेना है इससे पहले कि ये बिल्कुल मुलायम हो जाए। और मुझे लगता है कि हमें फ्लेम हाई ही रखनी चाहिए क्योंकि उसमें हमारा ब्राउन फटाफट होगा। अभी देखो ये वाला बहुत जल्दी से ब्राउन हो गया है, और आप ना एक टाइम के बाद इसको ऐसे कर सकते हैं तो सारा घी इधर आ जाएगा एंड यू कैन जस्ट हैव दिस। और ये हम लेके डालेंगे इसमें और थोड़ा सा घुमाएंगे एंड ट्विस्टेड घुमाएंगे, थोड़ा सा लपेटेंगे इसमें मलाई और मावा, और ये टाइट गो अनदर वन। इट लुक्स सो टेम्प्टिंग। ओके अनदर वन। मुझसे ना एक छोटी सी मिस्टेक हुई है आई थिंक, क्योंकि मुझे हिसाब नहीं रहा हम दो दिनों का कितना बनाना चाहिए, तो दूध थोड़ा सा कम रह गया है और मैंने आई थिंक थोड़ा ज़्यादा खोलने भी लगा क्योंकि हम खाना खाने में लग गए थे बीच में। तो दूध आप एक्चुअली दो पैकेट ले सकते हैं। अभी नहीं देखना था ना, पूरा तो बनाने देते। वाह यार भाई, शिरीन के हाथ का जो है ना खाने वाले बड़े नसीबवार होते हैं, नसीबवार होते हैं, नसीब वाले होते हैं, तो मैं उन नसीब वालों में से एक हूँ। कैसे भी देखता है यार, रहा नहीं जा रहा है, जल्दी से लाओ जल्दी से बनाओ। मुझसे ज्यादा प्यार फिलहाल शायद दूसरों पे आ रहा है, बहुत ज्यादा। ये हमारा लड़का एकदम पजामे कुर्ते में अच्छा लगता है, जिम में बस हमें कुर्ते में कुर्ते में जा रहा है। ओके गो, आई विल गेट इट। और ये हमारी गई लास्ट ब्रेड भी अंदर। क्या लग रही है, मुझे अपने ऐसे हाथ चूमने का मन कर रहा है। कुछ चीजें होती है ना, आप लोग आप खुद श्योर होते हो कि वो आप अच्छी बना सकते हो, दिस इज वन ऑफ दैट थिंग। हमारे प्लेटर के हिसाब से थोड़ी चीजें कम रह गई, बट नेवर माइंड। सो अब हमें क्या करना है, इसमें जो बचा है ये सब लेके जस्ट पुट इट ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। ये सब के ऊपर डाल दो आप, क्योंकि एकदम मावा बन चुका है। ओके, तो अब वक्त है हमारे शाही टुकड़े को थोड़ा सा ऊपर से सजाने का, जिसमें मैंने दिखाए बहुत सारे ड्राई फ्रूट से, पर मैं बहुत कुछ डालने वाली नहीं हूँ। आई विल ओनली पुट ये कोकोनट पाउडर, क्योंकि मुझे लगता है सारे ड्राई फ्रूट जाने से ना उसका ऑथेंटिक टेस्ट चला जाएगा। सो आई विल ओनली पुट माय कोकोनट पाउडर, दिस इज इट। और थोड़ा सा आसपास ऐसे स्प्रिंकल कर दें ताकि लुक गुड। तो इसी के साथ हमारे शाही टुकड़े तैयार हैं।
आई होप इट लुक्स गुड. व्हाट डू यू थिंक गाइस? ऑल्सो टेल मी व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू कुक द नेक्स्ट टाइम आई एम इन माय किचन स्पेशल. अंटिल देन हैव फन.